वेलकम टू जीवन ज्योति क्लासेज और मैं हूं विकेश कुमार। तो इससे पिछले वीडियो में कोडिंग डिकोडिंग के कुछ ट्रिक्स को समझे थे और उसी ट्रिक्स को लेकर हम कुछ एग्जांपल करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ ए कोड लैंग्वेज स्वेटा रिटेन ए आर वी डी एस जेड हाउ इज की रिटेन इन दैट लैंग्वेज। अगर श्वेता को लिख रहे हैं क्या आर भी डी एस जेड, तो रिंकी को उसी लैंग्वेज में क्या लिखेंगे। देखिए, जब भी कोड को डिकोड करना हो तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आप इसके नंबर को लिखें, इससे आसानी से कोई भी कोड डिकोड हो जाएगा। ओके, तो श्वेता को क्या लिख रहे हैं आर भी डी एस जेड। ओके, तो जैसा कि आपको ट्रिक्स में बताया गया है कि आपको सबसे पहले किसी भी तरह से, चाहे तो ट्रिक्स के थ्रू या ऐसे भी, आपके सारे अल्फाबेट्स का नंबर पता होना चाहिए कि कौन सा अल्फाबेट किस नंबर पे है। ओके, तो सबसे पहले श्वेता, ठीक है, श्वेता 19, डब्ल्यू 23, ई 5, टी 20 एंड ए 1। ओके, तो ये हो गया हमारे पास। अब आते हैं आर, तो आर क्या है 18, भी 22, डी 4 और एच है 90, जेड है 26। डिफरेंसेस समझिए, यहाँ पे जैसे ही हम नंबर लिखते हैं तो ध्यान देते हैं कि ये 19 है, ये 18 है, ये 23 है, ये 22 है, ये 5 है, ये 4 है, यानी ये सारे नंबर से एक कम है, माइनस वन। ओके, क्या है माइनस वन, ध्यान से देख सकते हैं, इस सब में माइनस वन है। ठीक है, ये 20 है, 90 है, वन से अगर नीचे जाएंगे तो वापस 26 पे आ जाएगा, तो ये सब के अंदर माइनस वन है। ठीक है, तो उसी तरह अगर रिंकी को लिखना है, बाय द वे हमें किसको लिखना है, रिंकी को, तो अगर रिंकी को लिखना है तो रिंकी को क्या लिखेंगे, तो इसके नंबर्स पे आते हैं। जैसे रिंकी का जो भी नंबर्स है उसको ध्यान से देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रिंकी को देख रहे हैं, तो रिंकी के लिए क्या नंबर्स होंगे हमारे पास, 18, आर, ठीक है ऑलरेडी, आई के लिए हमारे पास होंगे 9, एन के लिए हमारे पास है 14, के लिए है 11 और आई के लिए वापस 9। ठीक है, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आना चाहिए, जैसे पैटर्न्स क्या है, 19 से एक कम होना चाहिए तो 18 है, 23 से एक कम 22 है, 5 से 1 अगर कम कर रहे हैं तो 4 है। उसी तरह अगर 18 से एक कम करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 17, एच से अगर एक 9 से अगर एक कम कर रहे हैं तो 8, 14 से एक कम कर रहे हैं तो 13, इसी तरह ये हो गया 10, ओके, और ये हो गया 8। ठीक है, तो 17 के ऊपर कौन है, ध्यान दीजिए 17 के ऊपर है Q, 8 पे H, ठीक है ये हो गया M, और 10 पे है J और 8 पे है H वापस। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, ध्यान दीजिए Q H M J H, यानी ऑप्शन वन। अगर इसको सॉल्व करने का एक और भी ट्रिक हो सकता है कि जैसे ही आपने इस पैटर्न को सॉल्व किया, देखा तो सबसे पहले आप यह देखिए कि R से एक कम क्या होगा Q, तो Q किस में है, फर्स्ट में भी है, सेकेंड में भी है, थर्ड में ही भी है, सॉरी फोर्थ में भी है, थर्ड नहीं होगा, तो इन तीनों में हो सकता है। एंड द सेकेंड देखते हैं, I से कम कौन है, H, तो Q के बाद H सिर्फ फर्स्ट में है, बाकी ना इसमें है ना इसमें है, तो ये भी नहीं हुआ, नहीं ना ये हुआ, तो आप ऑप्शन से पता लगा सकते हैं दो ही के बाद कि क्योंकि बाद एच इसमें है इसलिए आंसर ये होगा। बात समझ आई। अब आते हैं सेकेंड,
इसी तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं सेकेंड से। तो चलिए देखते हैं। क्या बोल रहे हैं यहाँ कि इफ कोड लैंग्वेज निधि रिटेन एज MSCGH तो हाउ इज कोमल रिटेन दैट लैंग्वेज। अगर किसी कोड लैंग्वेज में निधि को क्या लिख रहे हैं, बोले यहाँ निधि लिख देते हैं, निधि को क्या लिख रहे हैं, निधि को लिख रहे हैं MSCGH। क्लियर है? तो इसकी नंबर से देखते हैं 14, आई के लिए क्या हो गया 9, डी के लिए 4, एच के लिए 8, आई के लिए 9। क्लियर है निधि? तो एम क्या है 13 है, एच क्या है 8 है, सी क्या है 3 है, जी क्या है 7 है जी एच, और एच क्या है वापस 8 है। तो इसके अंदर भी आप देखेंगे कि एक कम है, डिक्रीजिंग में जा रहा है, ये भी वन कम, ये भी वन कम, ठीक है, इसमें भी एक कम, तो ये सब एक कम है। तो उसी तरह हमें क्या लिखना है कोमल को, कोमल, ठीक है। तो ध्यान दीजिए के, तो के से नीचे कौन आएगा, के से पहले आता है जे, ठीक है, के से पहले क्या आता है जे, क्लियर है, और ओ से पहले आता है एन, एन ओ। तो यहां पे रिजल्ट में देखते हैं, सबसे पहले जे इसमें भी है, जे इसमें भी है, जे इसमें है, यानी आंसर थर्ड नहीं होगा। उसके बाद एन भी सब में है, उसके बाद आते हैं सी, सॉरी एम, एम से पहले क्या आता है, एम से पहले, ठीक है, एम से पहले देखो एल एम, एल एम में होता है ना, तो इससे पहले आएगा हमारे पास एल, तो एल देखें इस एल किस में है, फर्स्ट में, और एन फोर्थ, दोनों में, ये नहीं होगा, फर्स्ट और फोर्थ दोनों में है। तो ए से पहले क्या आएगा, अगर ए से पहले देखें तो आएगा जेड, ए से पहले क्या आएगा जेड, तो जेड इसमें है, ए से पहले जेड है, तो ऑप्शन फोर सही, ऑप्शन वन गलत, तो आंसर क्या होगा 4। तो ऐसे भी जल्दी से आप देख सकते हैं, आगे पैटर्न आप डिकोड कर देंगे, जो आपका कोड है वो डिकोड कर देंगे कि ये किस पैटर्न पे है, वही पैटर्न यहाँ लागू करेंगे। जैसे हमने निधि को MSCGH लिखा, यानी कि जो निधि का नंबर्स है, ठीक है, उससे MSCGH का नंबर जो है एक कम है, उसी तरह कोमल से एक कम होगा, के की वजह जे, ओ की वजह एन, एम के एल, ए के जेड, क्लियर है, और एल का क्या हो जाएगा कि, तो ऑप्शन फोर कह रहे थे, बात समझ आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं इसी तरह से। देखिए इफ एनी साइन लैंग्वेज यूनाइटेड गोज टू एस एल आर, सॉरी एस एल जी आर सी बी, हाउ विल द दिस दिस ऑन वी रिटेन इन द सेम लैंग्वेज। तो यूनाइटेड को क्या लिख रहे हैं, यूनाइटेड को लिख रहे हैं एस एल जी आर सी बी, ठीक है, यूनाइटेड को यही लिख रहे हैं। तो यूनाइटेड के लिए क्या हुआ, यू के लिए 21, एन के लिए 14, आई के लिए 9, टी के लिए 20, T20, E के लिए 5, D4, ठीक लिए S यानी 90, L 12, G 7, R 18, L के लिए 12 और B के लिए 2, सॉरी C है ना, C के लिए 3, तो इसमें अगर कंडीशन देखा जाए तो ये 21 है तो ये 90 है, माइनस 2 है, ये 14 है तो ये 12 है, ये भी माइनस 2 है, ये 9 है तो ये 7 है, ये भी माइनस 2 है, ठीक है, यहाँ पे देखें ये
20 है तो ये 18 है, ये भी माइनस 2 है। उसी तरह 5 है तो 3 है, 2 है तो 2 है, यानी हर नंबर से ये 2 कम है। ठीक है, तो उसी तरह हमें लिखना क्या है सेम लैंग्वेज में, दिस सॉन्ग। ठीक है, ये हो गया आपका 4, क्लियर। ये हो गया 9, ये हो गया 90। देखो कभी कभी याद भी नहीं रहता, यहीं से लिख ले रहे अपन। डी आई एस 4 9 19, डी के लिए यहाँ पे दिया हुआ है 4, आई के लिए यहाँ पे 9 है, एस के लिए 90 है। ठीक है, ओ के लिए क्या होगा अगर देखा जाए, क्या बोले थे, ओ ओके लिए 15 और 23, एन के लिए 40। क्लियर हो गया। अब आते हैं, इससे 2 कम करना है, अगर 2 कम करेंगे तो क्या आएगा 2, और 2 क्या आएगा b, इससे अगर 2 कम करो तो आएगा 7, और 7 पे क्या आएगा ध्यान से देखो, 7 पे आएगा हमारे पास G7, याद है G7, ये आ गया 17, 70 Q, 17 क्या आएगा Q, ये आ गया 13, सॉरी 2 माइनस करो, ये आ गया 13, 13 पे क्या आया था M, और ये आ गया माइनस 2 करोगे तो 21, और 21 पे आएगा U, L, 12 पे क्या आएगा L। ठीक है, तो अब यहां से ध्यान देखो, B, G, Q, ये नहीं होगा, उसके बाद M, U, L, आंसर होगा ये नहीं हो सकता। देखो जैसे ही B आया, यानी ये दोनों तो आंसर नहीं होगा, B यही दोनों में से होगा, उसके बाद G आया तो भी सही है, Q आया तो भी दोनों में है, उसके बाद जैसे ही M आया, देखिए ये नहीं होगा, बच्चा कौन ये, तो इस तरह से भी आंसर आप दे सकते हैं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स एग्जांपल्स करेंगे दो कोडिंग डिकोडिंग को लेकर। तो देखते हैं क्या बोल रहा है, इफ इन ए कोड लैंग्वेज टेक्सटाइल इज रिटेन एज आर सी वी आर जी जे सी एंड द हाउ इज द नाइलोन रिटेन इन दैट लैंग्वेज। तो देखिए टेक्सटाइल को क्या लिख रहे हैं अपन, ठीक है, इसको लिखे हैं आर सी वी आर जी जे सी। ठीक है, तो T20 E5 इस तरह से लिखते जाते हैं, 24 29 12 5, आर में क्या है 18। ठीक है, उसके बाद 3, ये हो गया 22, ये हो गया 7, सॉरी आर क्या हुआ, आर हुआ 18, 20 है ना, ये हो गया 18, ये हो गया 7, ये हो गया 10, और ये हो गया 3। क्लियर है, तो ध्यान देने वाली बात ये है पैटर्न, तो अगर डिकोड करेंगे इस कोड को तो -2 -2 -2, ये भी -2, तो देखेंगे ये सब -2 है, यानी 2 कम है। ठीक है, यहाँ से पैटर्न पता चल गया, कोई अलग है नहीं, 5 का 3, 12 का 10, ये सब -2 है। तो जैसे ही ये पता चलता है, तो दूसरी तरफ सबसे पहला काम है डिकोड करना, यानी पैटर्न को चेक करना, किस पैटर्न पे जो पहला है, किस पैटर्न पे दूसरा लिखा गया है, तो सेम पैटर्न आपके क्वेश्चन पे लागू करना है। जैसे नाइलोन है, क्या है नाइलोन, ठीक है, तो सबसे पहले नाइलोन के लिए देखते हैं, तो नाइलोन में L ये हो गया 14, Y क्या हो गया 25,
L12 O क्या है यार, 15, ये हो गया 14, तो ये क्या आना चाहिए, दो कम करो, 12 23 10 13 12 यही आएगा, ठीक है। तो 12 पे क्या आएगा L, 12 पे क्या है L, 23 पे W, ठीक है, J हो गया 10, ये हो गया M और ये हो गया L वापस, ठीक है। तो L W J M L यही आया, L के बाद W कौन है, देखो जैसे ही L आया था ना, ये होता ना ये होता ना ये होता, ये होता भाई L ऑप्शन में, बाकी उतना बनाना ही नहीं था, अब कर देते, ठीक है। बात समझ आ रही है सबको, अब आते हैं नेक्स्ट, तो ध्यान दीजिए, सॉरी सॉरी, इसमें एक इरर सा है, इरर क्या है, कभी कभी ऐसा भी प्रॉब्लम्स आ जाएगा, तो यहां पे देखिए जब हम इसको डिकोड किए तो एल तो ये है, ठीक है ना, एल इसमें है ना एल इसमें, ये दोनों तो नहीं हो सकता, लेकिन ये फोर्थ ऑप्शन में देखिए नॉन ऑफ दीज है, ये भी तो आंसर हो सकता है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन में जिसमें नॉन ऑफ दी जाए तो फिक्स है कि सारे पैटर्न को डिकोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब सबको डिकोड किए क्या आया, एल डब्लू जे एम एल आया, लेकिन यहाँ पे क्या है, एल डब्लू आई एन एल है, आई एन एल है, यहाँ पर जे एम एल आया, तो ये भी नहीं होगा, आंसर क्या होगा, नॉन ऑफ दिस, यानी क्वेश्चन फोर, ठीक है, ये होगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या बोल रहा है, लॉजिक इज रिटेन एज, द लॉजिक को क्या लिख रहे हैं, यहां लिख ले रहे हैं लॉजिक इज रिटेन, सॉरी क्वेश्चन एज क्या लिखे हैं इसको, बी एच एफ एन के, ये लिखे हैं। तो सबसे पहले एल को देखो, लॉजिक में एल क्या है, 12, ओ कितना होता है 15, ठीक है, जी 7, आई 9, ठीक है, सी 3, और बी देखो सबसे पहले, ये बी क्या है, 2 है, ये क्या है 8 है, ये क्या है 6 है, ये क्या है 14 है, और ये क्या है 11 है। अब इसका पैटर्न देखो, ठीक है, तो पैटर्न देखेंगे कि इसका पहला और इसका लास्ट एक ज्यादा है प्लस वन, इसका सेकेंड और इसका सेकेंड लास्ट, तो ये पैटर्न इधर से है, इसका थर्ड और इसका थर्ड लास्ट, सॉरी, ठीक है, इसका 14 है तो इसका 15 है। तो पैटर्न क्या है कि पहला एक ज्यादा है दूसरे से, लेकिन कंपेरिजन क्या है, इसका फर्स्ट और इसका लास्ट, तो यही पैटर्न लेकर चलेंगे। हमें लिखना क्या है, सिंपल सी एल ई आर के, क्लर्क, ठीक है। तो सबसे पहले ये ज्यादा होगा, ठीक है, के ज्यादा होगा, यानी के में से वन माइनस करेंगे तो आएगा ये, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं कि माइनस वन कर रहे हैं, इधर से हमने काउंट किया है, बी से सी ज्यादा है, अगर इधर से काउंट करते हैं तो सी माइनस वन करेंगे तो सी माइनस वन बी आ जाएगा, तो उसी तरह इसमें कर रहे हैं, के में से अगर माइनस वन को काउंट कर दे रहे हैं, ठीक है, के में ले माइनस वन को काउंट करेंगे तो क्या आएगा, जे के, ठीक है, अगर आर में से माइनस वन कर रहे हैं तो आर कैसे आता है, क्यू आर, क्यू आर, तो ये हो गया क्यू, उसी तरह ई में से करेंगे तो डी आ जाएगा, एल में से करेंगे तो के आ जाएगा, सी में से करेंगे तो बी आ जाएगा, तो रिजल्ट में हमारे पास क्या आया, जे क्यू डी के बी, जे क्यू डी के बी, तो आंसर कौन होगा, बी, क्लियर है पॉइंट्स, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है, ओके।
तो क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है कि इन इफ इन ए कोड लैंग्वेज कोफ्ट इज रिटेन एच आई एम एन आर हाउ विल क्विज टू बी रिटेन इन दैट लैंग्वेज। कोफ्ट को यानी कि के ओ पी टी को हम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, आई एम एन आर ये लिखे हैं ना, तो सबसे पहले इसको वापस लिखते हैं केफ्ट। तो के का 11, ओ 15, पी का क्या हुआ 16 और टी 20, यही है। इसको लिखे 9, 13, 14 एंड 18। अब इसको पैटर्न को ढूंढते हैं, तो ध्यान से देखिए कि इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट -2 है, इसका सेकंड और इसका सेकंड -2 है, और इसका थर्ड और इसका थर्ड -2 है, यानी सब पैटर्न में क्या है -2 है, ठीक है। तो उसी तरह हमें क्या लिखना है क्विज, ठीक है। तो इसमें से -2 करेंगे पहले, फिर इसमें से -2 करेंगे, फिर इसमें से -2 करेंगे, लास्ट में इसमें से -2 करेंगे, तो देखते हैं रिजल्ट क्या आ रहा है ना। देखिए अगर Q से -2 करें तो O आ जाएगा, यानी ये Q क्या है 17 है, और ये कितना है 21 है, I कितना होता है 9, ये 26, तो ये हो गया 15, 15 पे क्या आता है O, ठीक है। U -2 यानी 19, और 19 पे आता है हमारे पास S, और ये आ गया 7, 2 माइनस किए I 9 में से, तो 7 पे आता है G 7, ठीक है, और 24, 24 पे आता है X, ठीक है। तो रिजल्ट में क्या आया ओ एक्स जी एक्स, ठीक है, ओ एस जी एक्स, ओ एक्स जी एक्स, तो आंसर कौन होगा फर्स्ट, क्लियर है पॉइंट। तो इस तरह से डिकोड करेंगे, नेक्स्ट कर आते हैं पॉइंट पे, क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान दीजिए। इफ इन कोड लैंग्वेज प्रोडक्ट इज रिटेन, प्रोडक्ट को कैसे लिख रहे हैं ध्यान दो, प्रोडक्ट को अपन लिख रहे हैं क्या एन पी एम बी एस आर क्यू, यही लिख रहे हैं प्रोडक्ट को। तो कंप्रेंशन को कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इस पैटर्न को डिकोड करते हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं, तो प्रोडक्ट को P इक्वल टू कितना आया 18, सॉरी P 16, ओके 16 साल का प्रिंस, ठीक है। R 18, O कितना आया 15, D 4, U 21, U किस, ठीक है, T 20, ये हो गया 19, तो ये हो गया। अब यहाँ पे इसको डिकोड कर रहे हैं, तो ये आया 14 हमारे पास, और P क्या आया, P आया 16, ये आया 13, ये आया 2, ये आया 19, ये 18, और ये आया 17। तो ध्यान से देखिए, तो इसमें क्या है 2 डिक्रीजेस है, यानी 2 कम है, ये सब के सब 2 कम है, तो पैटर्न तो यहाँ से मालूम चल गया कि पैटर्न है क्या कि 2 कम होना चाहिए। तो लैंग्वेज अगर बात कर रहे हैं लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज के लिए क्या होगा एल ए एन, ठीक है, जी यू ए जी ई, यही दिया हुआ है। तो एल के लिए क्या बोल सकते हैं लैंग्वेज में एल, ओह सॉरी 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 लैंग्वेज नहीं है कंप्रेंशन है, गलत हो गया, क्या है कंप्रेंशन। तो कंप्रेंशन के लिए क्या लिखेंगे सी ओ एम, ठीक है, क्या है पी आर ई एच ई एन एस आई ओ एन कंप्रेंशन,
इतना बड़ा है, ठीक है। तो सी से दो कम करो, ए सबसे पहले, ए तो सम में है, ओ से दो कम करो एम, ठीक है, सम में है, ये भी सम में है, ठीक है। तो एक चीज यहाँ पर भी इस क्वेश्चन के लिए देख सकते हैं, तो देख रहे हैं ए एम के एन, यहाँ तक तो सब में सेम है, तो ये तो होना ही है। उसके बाद पी सी, पी सी, अब ये ट्राई कर लेते हैं, यानी 1 2 3 4 5 डायरेक्टली, 1 2 3 4 5, ठीक है। आर से पहले क्या होगा, अगर कंप्रेंशन की बात कर रहे हैं तो आर से पहले क्या होगा, ठीक है। तो इन कहाँ तक बोले, पी 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 तक तो सब में नहीं, आर के बाद क्या होगा, पी एन पी, तो यहाँ तक हो गया आर का, ये हो गया पी, ये सबको लिख लो पहले, ये हो गया एन ए एम के, ठीक है, एन आर से पहले आ गया पी, ई से पहले आएगा सी, दो कम करना है ना, तो आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो या फिर नंबरिंग करके भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सॉरी कम ही तो कर रहे हैं, ठीक है, तो है, ठीक है, ई से पहले क्या आएगा सी, तो इसमें देखो कि सी है क्या किसी में, ठीक है, एन पी, उसके बाद है सी, इसमें भी है, इसमें भी है, इस सब में है, इसको छोड़ के इस सब में है, ठीक है। तो एच ले पहले क्या आएगा, एफ, इसमें क्या आएगा एफ, वापस क्या आना चाहिए सी, तो इसमें एफ आया, वापस आया सी, तो वापस सी सिर्फ इसमें है, बाकी इन दोनों में नहीं है, ठीक है। ई पे क्या आएगा सी, तो यहाँ पे ऑप्शन भी देखना जरूरी है, क्योंकि जितना ही लार्ज क्वेश्चन रहेगा आप सॉल्व करेंगे समय ज़्यादा जाएगा, तो आप इस तरह से भी देख सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के लिए कुछ खास चीज़ें मैं बता रहा हूँ, कि जैसे कि इस ऑप्शन में देख रहे हैं कि ए एम के एन पी, तो इस सब में है, तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। एक बार पी तो सब में है, इसमें नहीं है, तो अगर देखेंगे आज से यहाँ पर काउंट कर लो, ए एम के एन यहाँ तक सब में है, यानी सी ओ एम पी, इसका तो सॉल्व हो गया। आर का देख लेंगे, पी आ गया, यानी कि पी आ गया, ये नहीं होगा, ये इन्हीं तीनों में से कोई होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए पी सब में है, सी भी सब में है, एफ भी सब में है, तो यहाँ तक को वापस सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डिफरेंस यहाँ पे है, तो सिर्फ इसमें देखेंगे, ई से दो पहले क्या आ गया सी, तो देखेंगे सी इसमें है, इन दोनों में नहीं है, तो रिजल्ट कौन हो जाएगा 3, ठीक है। बिना मेहनत के भी आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं समय जाएगा। तो उसके बाद आते हैं कुछ, देखिए लॉस को लिख रहे हैं एम क्यू भी आई, लॉस, तो एल के लिए क्या हो गया लॉस 12, ओ के लिए हो गया 15, ए सी एस टी याद होगा 19, ठीक है, और ई 5, एम 13, ठीक है, क्यू 17 क्वीन, और वी हम दो हमारे दो यानी 22, आई 9, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंसेस देखो, कि फर्स्ट 12 है तो ये 13 हो गया, प्लस 1 हुआ, ठीक है, ये 15 है तो ये 17 हो गया, प्लस 2 हो गया, ये 19 है तो ये 22 हो गया, प्लस 3 हो गया, ये 5 है तो ये 9 हो गया, प्लस 4 हो गया। तो इसमें डिकोड कैसे किए, यानी पहला 1 इंक्रीज है, दूसरा 2 इंक्रीज है, तीसरा 3 इंक्रीज है, चौथा 4 इंक्रीजेस है, तो इंक्रीज इन फॉर्म में जा रहा है, ठीक है। तो हम गेन को देख रहे हैं, ठीक है, तो गेन के लिए अगर हम देखेंगे तो गेन जी 7 ये हो गया 1, ठीक है, आई आई के लिए 9, आई एन के लिए 14, तो ये है। तो इसमें क्या होना चाहिए, प्लस 1 अगर करोगे तो इसमें तो पहले 8 होगा, इसमें अगर प्लस 2 करोगे तो ये तो 3 होगा, ठीक है, इसमें 3 करोगे तो ये तो 12 होगा, और इसमें अगर 4 करोगे तो ये तो 18 होगा।
तो सबसे पहले ये देखो कि 8 पे कौन है, एच है, 3 यानी सी हो गया, 12 यानी एल हो गया और 18 यानी आर हो गया। तो रिजल्ट में क्या आएगा, ए सी एल आर, ए सी, देखो पहला तो ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, एच तो ये तीनों में था, सी इन दोनों में है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं एल, एल इसमें है, एल इसमें है, लास्ट में आर इसमें है, तो ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। ओके बात समझ आ गई, तो एच सी एल आर, तो ये ऐसा बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो इसी तरह से सारे कोड को डिकोड करेंगे। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको सारे अल्फाबेट्स के नंबर याद रहो, चाहे वो किसी भी तरह से याद हो। ये ट्रिक तो मैं एक वीडियोज में दिया हूँ, तो आप जाके वहाँ चेक कर सकते हैं, ठीक है। इफ इन ए कोड लैंग्वेज क्लर्क इज रिटेन, क्लर्क को कैसे लिख रहे हैं, सी, ठीक है, क्लर्क को लिख रहे हैं हम लोग ई ओ आई डब्ल्यू क्यू, ठीक है, क्लर्क को यही लिख रहे हैं, यानी 3, 12, 5, 18, 11, और ये क्या हो गया, 5, 15, 9, 23 और क्यू के लिए 17। तो डिफरेंस क्या आया, ये 2, ये 3 प्लस में ये 4, ये क्या हो गया 5 और ये हो गया 6। तो ये पैटर्न है, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब ऐड हो रहे हैं। तो उसी तरह हमें क्या लिखना है, टेबल, ठीक है, क्या लिखना है, टेबल। तो टी के लिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले ये देखते हैं कि टी हो गया T20, A1, B2, L12, E5, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें 2 ऐड करो, 22, इसमें 3 ऐड करेंगे, 4, इसमें 5 ऐड करेंगे, ठीक है, 2, 3, इसमें 4 ऐड करेंगे, 6, इसमें 5, 70 और इसमें 6, 11। तो ये आगे 22 पे क्या है, हमारे पास डी है, 4 पे क्या है, डी है, 6 पे एफ है, सॉरी ये तो भी हो गया ना, भी डी एफ, 70 के लिए क्या हो गया, क्यू और के, 11, ठीक है। तो भी डी एफ क्यू के, भी डी एफ क्यू जे है, ये भी डी एफ क्यू के, यानी कि ऑप्शन 1 करेक्ट। समझ में आ रही पॉइंट, चलिए और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बोल रहा है इफ ए स्टाम्प इज रिटेन, स्टाम्प को लिख रहे हैं टी बी बी ओ क्यू इन ए कोड लैंग्वेज, हाउ विल ब्रेन विल बी रिटेन इन दैट लैंग्वेज, इसी लैंग्वेज में ब्रेन को कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले स्टाम्प देख रहे हैं, ठीक है, तो देखिए यहीं पर लिख रहे हैं STAMP, ठीक है, और इसको लिख रहे हैं TBBOQ, यही लिख रहे हैं। तो S के लिए क्या हो गया, ACST, 19, 20 याद होगा, A 13, और P के लिए हमारे पास 16। तो यहाँ पे T देखिए, T 20, भी, ठीक है, भी क्या हो गया 22, 2 ओ के लिए हम 15 और क्यू के लिए 17। तो पैटर्न क्या बना, 1+, 2+ और वापस 1+ हुआ, ठीक है, ध्यान दीजिए, वापस 1+, वापस 2+, वापस 1+। तो पैटर्न यहाँ पे क्या है, 1+, 2+, 1+, 2+, 1+। तो हमें क्या लिखना है, ब्रेन, ठीक है, हमें क्या लिखना है, ब्रेन। तो यहाँ पे देख लो, 2, ठीक है, 18, 1, 9, 14, ठीक है। तो पहले 1+ करना है, 15,
15 2 प्लस 3 22, फिर 2 प्लस कीजिए 11 15, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास ऑलरेडी, तो हम इसको डिकोड कर लें। तो 3 के लिए हो गया C, 20 के लिए T20, ये हो गया B, K के लिए 11 और 15 हो गया K 11 15 O, तो C T B K O। तो देखिए ऑप्शंस में आ रहा है C T B K O ऑप्शन D यानी 4 C T B K O, क्लियर है पॉइंट। अगर समझ में ना आए तो कमेंट बता दीजिएगा कमेंट में कि क्या चीज़ें समझ नहीं आ रही है। तो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ दिस, डिफरेंट डिफरेंट तरह के कोड आ सकते हैं। तो सबसे पहले पहला कोड तो डिकोड करना है, उसी के आधार पे उसी के पैटर्न पे फिर दूसरा आपको बना देना है। सिंपल सी है, चाहे आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हो, सैनिक स्कूल, आर्मी स्कूल, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए अगर प्रिपरेशंस करते हो, ठीक है, उसमें इंटेलिजेंसी यानी रीजनिंग का पेपर होता है, तो उसमें जरूर कोड डिकोड होगा ही होगा, ठीक है। तो आप जितना ही ज़्यादा आपको माइंड में अल्फाबेट्स के नंबर फाइंड होंगे, आप उतना ही जल्दी डिकोड कर पाओगे। चलिए, इफ इन एनी साइन लैंग्वेज इन इंडिया, इंडिया को क्या लिख रहे हैं हम, इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया को लिख रहे हैं के क्यू एफ एल सी, ये लिख रहे हैं यानी कि 9, ठीक है। इनके लिए क्या हो गया 14, डी 4, ठीक है, आई 9, ए 1, यही है। तो क्या लिखे हैं 11, ठीक है, 17, एफ के लिए क्या हो गया 6, 12, 3। तो यहाँ पे देखिए 9 है और ये है 11, 2 प्लस है, ये 14 है, ये 17 है, 3 प्लस है, ये 4 है, ये 6 है, वापस 2 प्लस है, ये 9 है, ये 12 है, प्लस 3, ये 1 है, ये 3 है, फिर प्लस 2, यानी पैटर्न क्या बन रहा है, 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, यही पैटर्न बन रहा है। तो हमें लिखना है जापान को, ठीक है, किसको लिखना है, जापान को, ठीक है। तो सबसे पहले जापान लिख लेते हैं, तो अगर जापान लिख लेते हैं तो जे के लिए 10, 1, पी के लिए 16, 1, 14, तो हमारे पास क्या होगा, ध्यान देना, तो 10 के लिए प्लस 2 करेंगे तो 12, ठीक है, प्लस 3 करेंगे तो 4, 18, 4, ठीक है, फिर 16, तो देख लो क्या आया हमारे पास। तो के लिए क्या हो सकता है, अगर के लिए लिखना हो तो के लिए क्या होगा, ठीक है, सॉरी 12 के लिए क्या होगा, 11 इंडिया, 11 हो गया लाइन, ठीक है, ये हो गया डी और ये हो गया आर, ये हो गया डी और ये हो गया पी, ठीक है, ऑप्शन मिलाते हैं एल डी आर डी पी, ऑप्शन फर्स्ट एल डी आर डी पी, तो ये हो गया आपके लिए। तो इसका पैटर्न क्या था, प्लस 2 करना था, प्लस 3 करना था, फिर वापस प्लस 2, वापस प्लस 3, इसी पैटर्न पे चल रहा था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, पुनीत को क्या लिख रहे हैं, अगर देखा जाए तो पुनीत को अपन लिख रहे हैं, पुनीत, देखिए पुनीत को लिख रहे हैं यू वाई क्यू के यू, ठीक है, ये लिख रहे हैं 16 21 14
9, 20। ठीक है, यू की अगर बात करें तो ये हो गया 21, ये हो गया 25, ये हो गया 17, ये हो गया 11, ये हो गया 21। ठीक है, तो डिफरेंसेस क्या आया? प्लस 5, प्लस 4, प्लस 3, प्लस 2, प्लस 1। तो डिफरेंस क्या पैटर्न बना? प्लस 5, प्लस 4, प्लस 3, प्लस 2, प्लस 1। तो उसी तरह हमें क्या लिखना है? जूली। ठीक है, तो सबसे पहले जूली के लिए देखते हैं। तो अगर जूली क्या वैल्यूज में अगर देखा जाए तो क्या होगा? 10, 21, 12, 5 एंड 5। तो अगर 10 में सबसे पहले 5 ऐड करो तो ये हो गया 15, इसमें 4 ऐड करोगे तो 25, इसमें 3 15, इसमें 2 7 और इसमें 1 6। ठीक है, तो 15 के लिए क्या बनता है? सबसे पहले ओ, ये हो गया वाई, उसके बाद वापस आते हैं ओ। ठीक है, जी 7 ई एफ, तो ओ वाई ओ जी एफ, यही आया हमारे पास। क्या आया? ओ वाई ओ जी एफ। ठीक है, जी एच, ओ वाई ओ जी एफ, तो ओ वाई ओ जी एफ कहीं नहीं, जी एच है। ओके, ओ आई एफ एच एफ है। अच्छा, जी 7 सही तो है, कहीं गलती लग रहा है किसी को? लिख लीजिए, यानी इसका उसमें नहीं आ पा रहा है ना, जी एफ। तो कोड ऑफ सीक्वेंस क्या लिख रहे हैं? एच वी जे एफ वी एम एक्स डब्ल्यू, ये लिख रहे हैं सीक्वेंस का। तो एस के लिए आपके पास हो गया 90, ई 5, क्यू 70, यू 21, ई 5, एन 40, सी हो गया 3 और ई हो गया 5। अगर एच की बात करें तो ये हो गया आपके पास 8, 22, जे हो गया आपके पास 10, एफ 6, वी 22, एम 13, एक्स 24, डब्ल्यू 23। पैटर्न क्या बना, सबसे बड़ी बात। तो ये जो पैटर्न है आप ध्यान से देखोगे, इनको इनके बीच का सम क्या है? 90 प्लस 8 27। और इनके और इनके बीच का सम क्या है? 20 प्लस 5 22 प्लस 5 27। जब सम किसी का 27 आ जाए तो समझ लो कि वो क्या है, ये दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, ये दूसरे के क्या है? अपोजिट है। यहाँ पर देखिए सारे सम सेम आ रहे हैं, 27 आ रहे हैं। ठीक है, 27 आ रहे हैं, ये दूसरे के क्या है? अपोजिट है। ठीक है, या फिर एक ट्रिक बताया भी था मैं, आप ध्यान से देखेंगे वीडियो तो पहले वाला, उसमें क्या था अगर देखा जाए, था क्या? ठीक है, तो उसमें था, अगर शुरू से देखो, ये सारे का सम यही आ रहा है। अगर इस इधर 19 है तो इधर 8 है, 27 से माइनस कर दो। इधर 5 है तो इधर 27 से माइनस करेंगे तो 22 आ जाएगा।
इसमें 27 से इसको माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा, इसको 27 से माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो पैटर्न तो ये बन रहा है, ठीक है। हमें क्या बताना है, चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन कोड है उसका डिकोड करना है, चिल्ड्रेन को क्या लिखेंगे इसी लैंग्वेज में, ठीक है। चिल्ड्रेन तो सबसे पहले इसका नंबर लिखते हैं 3, चिल्ड्रेन के लिए क्या होगा 3 होगा ना, एच क्या होता है, एच 8 लुक लाइक 8, ठीक है। आई 9, एल 12, डी 4, आर, ठीक है, एच 3, ई 5, डब्ल्यू 23, ये हो गया, हमने लिख दिया इसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए 24 और ये होना चाहिए आपको 19 और ये होना चाहिए आपको 27 माइनस 9 क्या होना चाहिए 18 और ये होना चाहिए आपको 15 और ये होना चाहिए 23 और ये होना चाहिए 9, उसी तरह से ये होना चाहिए 22 और ये होना चाहिए 4। तो 24 पे क्या होगा, x इस R O W 9 के लिए अपन लिख सकते हैं I और ये हो गया V, ठीक है, और ये आपके पास क्या है N 13 है ना, सॉरी N के लिए क्या था, N 14 था, E 5 हो गया, तो ये 14 था ना, N क्या था 14 था, तो ये हो गया 14, तो ये 13 और 13 के लिए अपन लिखेंगे M। तो हमारे पास रिजल्ट आ गया HRSROWIVM यानी क्या होगा 13। तो इस तरह के भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ये अपोजिट में जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले इसको इराइज कर ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं, ध्यान दीजिए। तो लाइन को क्या लिख रहे हैं, लाइन को लिख रहे ओ आर एल एम, ये लिख रहे हैं लाइन को क्या लिख रहे ओ आर एल एम। तो देखिए लाइन यानी 12, आई 9, 15 और 14। तो इधर क्या हुआ, ये हो गया 15 और ये हो गया 18 और ये हो गया 12, ये हो गया 13। वापस देखेंगे अगर तो इसको फर्स्ट और ये जब ऐड करोगे तो क्या आएगा 27 एंड 27
एंड 27 एंड 27 यही आ रहा है। तो उसी तरह हमें क्या लिखना है, टी आई जी ई, ठीक है, क्या लिखना है, टी आई जी ई, टाइगर पूरा होना चाहिए। जी ई आर रख लीजिए, ठीक है, टाइगर, क्योंकि यहाँ पे आंसर 5 वर्ड में है, तो टाइग 4 वर्ड ही हो जाएगा, तो टाइगर पूरा लिख लेते हैं, तो टी आई जी है, ठीक है। तो टी के लिए 20, आई के लिए 9, जी 7, ई 5 और आर हो गया 18, ठीक है। तो ये 20 है तो ये 7 हो गया, ये 19 है तो ये 18 हो गया, ये 20 हो जाएगा, ये 22 और ये 9, इस सब में ले 27 से माइनस कर दिए, क्योंकि तो सम 27 है, दूसरा निकालना है। तो अगर जी 7 हो गया तो जी हो गया, 18 हो गया तो आर हो गया, टी 20 होता है, भी 22, 9 आई, तो जी आर टी भी आई, जी आर भी तो है लेकिन जी आर जी भी थे, जी नहीं आ रहा है इसमें से, कोई भी इसमें से भी कोई नहीं आ रहा है, ठीक है, जी आर टी भी आई, ये क्लॉज इसमें गलत आ चुका है, ऑप्शन ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ए 1 2 3 4 5 6, देखिए ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, ये सारे में 5, जब टाइगर है तो इसका रिकॉर्ड भी 5 ही होगा, ये 6 है, तो ये मे भी मुझे लगता है ऑप्शन ये चेंज होना चाहिए, ये आएगा जी टी भी आई, तो रियल रिजल्ट क्या होगा, जी या टी भी आई, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। ठीक है, फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियोज के अंदर, जिसमें हम दूसरे रीजनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। हम आगे चल के ट्रिक्स भी शेयर करने वाले हैं, कैसे रीजनिंग को जल्दी से रिकॉर्ड करते हैं, यहाँ तो लिखने और समझने में समय लग जाता है, लेकिन आप इन सेकेंड्स हाउ टू क्रिएट द रीजनिंग, ठीक है। तो चलिए, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।